नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुशील मोदी के उस ट्वीट पर कटाक्ष किया है जिसमें सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि धारा 370 पर दलित पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो सुनिए मनोज झा ने क्या कुछ कहा है सुशील मोदी और बिहार में बढ़ते अपराध के ऊपर। सर, मेरा पहला सवाल है कि सुशील मोदी ने कहा है कि 370 का विरोध कर कांग्रेस अपना कब्र खोद चुकी है, राजद जैसी पार्टियां अपना जलित गरीब जनाधार दफनाने के राह पर। देखिए, मैं सुशील मोदी जी से इतना ही आग्रह कर सकता हूं कि शायद 370 पे उनको पढ़ने की जरूरत है। जेपी के साथ कुछ दिन रहे हैं, इसलिए एक आग्रह करूंगा कि आज शाम तक अगर संभव हो उनसे तो 1 मई 56 को जवाहरलाल जी के नाम से एक चिट्ठी जयप्रकाश जी की है और 23 जून 66 को इंदिरा जी के नाम से वो चिट्ठी है। ये दो चिट्ठी पढ़ लें और किसी सार्वजनिक मंच पर आकर के बहस कर लें। अल्प ज्ञान और व्हाट्सएप द्वारा परोसे ज्ञान से आप कुछ लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इतिहास की धारा और उसकी समझ के बारे में आपका अल्प ज्ञान या मैं कहूँ कि नो ज्ञान, इग्नोरेंस प्रदर्शित होता है और अपने इग्नोरेंस का सार्वजनिक प्रदर्शन करके आप किसकी बधाई चाह रहे हैं मैं नहीं जानता। तो मेरा दूसरा सवाल है कि कल सीतामढ़ी में भी हत्या हो गई, लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है वो सामने है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को तो अब अलग अलग देखिए, ना लॉ है ना ऑर्डर है। आप क्राइम का पैटर्न देखिए, उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए। क्राइम का कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जो आपको बिहार में हालिया दिनों में देखने को नहीं मिल रहा, चाहे रेप का हो, मॉब लिंचिंग का हो, डकैती का हो, मर्डर का हो। और पुलिस प्रशासन तक पर जिस प्रकार की भीड़ द्वारा चीज़ें होती हैं, तो सीधे तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ की सरकार के लिए या तो तय कर ले कि सब कुछ सौंप करके गवर्नर साहब का रूल हो जाए, और या नहीं तो अभी भी वक्त है कि चिंतन करें। लोग सरकार चुनते हैं महफूज रहने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था के लिए। इसमें से अगर कुछ भी नहीं उपलब्ध हो रहा है तो सरकार का हम क्या करें, झुंझुना की तरह उसको घुमाएं, यही मेरा आग्रह। सर, एक सवाल और है, मनमोहन सिंह का एसपीजी छीन लिया गया है, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका को क्यों? देखिए, मैं तो सीधे तौर पर यह मानता हूं कि सिक्योरिटी एक ऐसा गंभीर मसला है, एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिसकी आड़ में राजनीति नहीं, जिस राजनीति की आड़ में उसे नहीं आना चाहिए। बीते दिनों हमारे लीडरशिप के साथ भी हुआ, हमने विरोध किया, जाहिर है कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा निज़ाम बन जाएगा जहां सिक्योरिटी और थ्रेट परसेप्शन भी आपके राजनीतिक सरोकारों से तय होंगे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि कल को यही मॉडल अपनाया जाएगा और जो मॉडल मैं समझ रहा हूं किसी भी दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खास तौर पर उचित नहीं है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट लाइव सिटीज मीडिया के लिए।